तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ड्राइंग शीट से हम टेलीस्कोप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमको एक टेलीस्कोप, हमको एक ड्राइंग शीट और दो लेंस चाहिए। एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आईपीस से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जितनी है, आपके ऑब्जेक्टिव ट्यूब की लेंथ उसकी 70% होगी। मेरी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 15 cm, तो मैं हमारी ट्यूब की लेंथ होगी 12 cm। इस ड्राइंग शीट से हमको बस टेलीस्कोप की ट्यूब बनानी है। जितनी आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, उसकी टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी। और उसी तरह से आईपीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी, मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हमको एक स्ट्रिप निकालनी है जिसकी ब्रेथ होगी करीब 12 cm। आपकी बॉडी वाली लेंस लेकिन तो आपकी फोकल आपकी ट्यूब की लेंथ अलग ज़्यादा बड़ी या अलग हो सकती है। अब हमको एक दूसरी स्ट्रिप लेनी है आईपीस लेंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव ट्यूब की थोड़ी कम होगी। मेरी ऑब्जेक्टिव ट्यूब 12 cm, तो मैं इसको 10 cm ले रहा हूँ। इसको ही वैसे ही काट लेनी है। देखिए अब मैंने दो स्ट्रिप निकाल लिए हैं, एक की लेंथ है 12 cm और दूसरी की 10 cm। अब हम इन दोनों को रोल करनी है, जो है जैसे कि हम इन दोनों को एक ट्यूब बना दें, रोल करके एक ट्यूब बनानी है। अब हम बॉडी वाली स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको ऐसे रोल करना है जैसे कि इसकी जो साइड में जो सर्किल है वो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाए, या थोड़ी छोटी होगी तो भी चलेगी, लेकिन बॉडी नहीं होनी चाहिए। अब इसको ब्लू से चिपका देनी है। इसके लिए फेविकॉल या कोई भी अलग ब्लू ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको चिपकाते वक्त ध्यान रखिए कि इसकी लेंथ या साइज थोड़ी बड़ी या छोटी ना हो जाए। इसके बाद एक फेविक्विक लीजिए और देखिए जो अंदर एक किनारा है जहाँ पर ड्राइंग शीट खत्म हो रही है, वहाँ पर थोड़ा फेविक्विक डाल लेंगे ताकि ये वापस निकले नहीं। दूसरी साइड भी यही करना है। फेविक्विक लगाते वक्त ध्यान रखिए, ये हाथ से चिपक जाएंगे तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो छोटी वाली स्ट्रिप है उसको एक सिलेंडर बनाना है और बॉडी वाली सिलेंडर का अंदर डालना है और फिर छोड़ देना है, जैसे कि ये वो बॉडी वाली स्ट्रिप ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाए। ध्यान रखिए कि ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीली ना हो और वो अंदर अच्छे से स्लाइड हो सके। उसके बाद उसको निकाल दीजिए और ग्लू से सील कर दीजिए। मैं चिपकाने के लिए सेलो टेप रिकमेंड ज़्यादा करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ती, ज़्यादा पैसा भी नहीं है और फेविक्विक के हिसाब से बहुत कम रुपये में आ जाएगी। उसके बाद एक सैंड पेपर लीजिए और छोरों की साइड को थोड़ा रब कर दीजिए ताकि वो थोड़ा प्लेन हो जाए और जैसे कोई ऊबर खबर ना हो। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस को उसके ऊपर अच्छी तरह चिपका दीजिए। पहले तो फेविक्विक उसके किनारे पर डालिए ताकि थोड़ा रफ हो जाए, यानी कि थोड़ा सॉलिड हो जाए। उसके बाद फिर से फेविक्विक डाल के अच्छी तरह से चिपका दीजिए। अभी इतना काफी नहीं है, हमको एक दूसरा स्ट्रिप लेना होगा।
इसका ब्रेथ करीब करीब एक या डेढ़ इंच की तो ठीक है। इसके बाद उस पर ग्लू लगानी है और उसको हमारे जो ट्यूब है और उसमें जो लेंस है उसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड सर्कल से रोल कर देना है। बात क्या है कि हमारे जो फैब्रिक यूज किया था तो वो कागज़ से ठीक से चिपकती नहीं है, तो चांसेस है कि वो निकल जाएगी, इसलिए हम ऐसे एक तीसरी स्टेप लेकर उस लेंस को फिर से फैब्रिक से चिपका देते हैं, इसे ऐसे करने से वो और निकलेगी नहीं। उसके बाद कैंची से इसको लेबल कर दीजिए और अपना फेविकॉल डाल दीजिए। इसके बाद हम आई पीस लेंस लगाने वाले हैं। इसके लिए पहले आई पीस ट्यूब के ऊपर थोड़ा रब कर दीजिए, इसके बाद फेविकॉल डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा रब सॉलिड हो जाए। इसके बाद उस कार्डबोर्ड के ऊपर आई पी ट्यूब का एक सर्किल बना दीजिए, वो आपको एकदम सर्किल नहीं होगी तो आपको फिर से हाथ से रफ सर्किल बनानी होगी और उसको काट दीजिए। जितना आपकी मेजर किया है उससे थोड़ा ज़्यादा काटिएगा। उसके बाद लेंस की मेजर कीजिए और उसको काट दीजिए। थोड़ा जो लेंस की जो मेज़र किया था उससे थोड़ा छोटा कीजिएगा। अगर आप चाहे तो उसका सेम साइज करके भी लेंस को कार्डबोर्ड के अंदर ही चिपका सकते हैं। इसके लिए आप सर्जिकल ब्लेड यूज़ करें तो और आसानी होगी। तो आप आई पीस लेंस को चिपका सकते हैं। यह आई पीस लेंस मुझे एक टॉर्च से मिला था, तो मेरा एक पुराना टॉर्च जो ख़राब हो गया था तो उसे ही निकाल दिया, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस था मैंने हमारे कंपास बॉक्स में जो आता है ना उसे ही यूज़ कर दिया। अब प्ले स्टोर से स्पिरिट लेवल का एक ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे पास पहले से ही है तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि एक सरफेस कितना प्लेन है, मतलब एक ग्राउंड लेवल के हिसाब से। अब उस आई पीस ट्यूब को ऑब्जेक्टिव ट्यूब के अंदर डालना है। जब आप मोबाइल अपने स्मार्टफोन को नीचे रखेंगे जो रीडिंग आएगी, और बॉय रीडिंग आपके ट्यूब के ऊपर रखने पर भी बॉय रीडिंग आनी चाहिए। ये दिखाता है कि वो दोनों ट्यूब्स एकदम पैरेलल है, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस एक दो पैरेलल प्लेन में रह रहे हैं। अभी आप ऑब्जेक्टिव लेंस में एक साइड में एक छोटा सा छेद कीजिए ताकि हवा अंदर और बाहर आ सके। इसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव लेंस से अच्छी तरह चिपका देंगे। ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ट्यूब के एकदम सेंटर में रहनी चाहिए। इसके लिए पहले आप फेविकॉल, उसके बाद फेविकॉल का यूज़ कीजिए। फेविकॉल इसलिए ज़रूरी है ताकि फेविकॉल कागज से अच्छी तरह चिपकेगी नहीं। इसके बाद जब वो सूख जाए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव ट्यूब को आईपीस ट्यूब के अंदर डाल सकते हैं। 5 hours later. अगर वो थोड़ी टाइट हो रही है तो आप अपने ट्यूब को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद अंदर डाल दीजिए। अब आपका टेलीस्कोप तैयार है।